Hola amigos, my name is Rizwan Khan and my YouTube channel name is Our Language School. So friends, I made the last two videos for conjugacion. In that, पहले तो मैंने बनाया था प्रेजेंट फॉर्म के लिए, फिर उसके बाद मैंने बनाया फ्यूचर के लिए. तो मेरे पास कुछ लोगों की कमेंट आई, उन्होंने कहा कि आप एक नई वीडियो बनाएं जिसमें हमें पास्ट फॉर्म के बारे में बताइए. तो आपका हुकुम सर आंखों पर और मैं हाजिर हूं आपके लिए ये वीडियो लेकर जिसमें आप सीखेंगे कोंगुगासियन के नियम पास्ट फॉर्म के लिए. लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्लीज अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हां, इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपके इस मोटिवेशन की वजह से मैं और नई इस तरह की वीडियो बनाता रहूं, ताकि आप हिंदी भाषा से स्पैनिश भाषा को सीख सकें. तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन. तो दोस्तों, ये मैंने एक चार्ट बना रखा है, फिर से मैं रिपीट करता हूं. ये हमारे प्रोनाउन है. पहला जो, दिस इज नॉट यो, इस जो, जो मतलब मैं, तू, तुम, वह, ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए. एल, एजा. नोसोत्रोस, नोसोत्रोस का मतलब हम. बोसोत्रोस, बोसोत्रोस का मतलब तुम सब, तुम सब. बोसोत्रोस सिर्फ स्पेन और यूरोपियन कंट्रीज में यूज किया जाता है, लेकिन पूरे का पूरे लैटिन अमेरिका में बोसोत्रोस नहीं यूज किया जाता है. इसकी जगह हम यूज करते हैं उस्तेदेस, उस्तेदेस. और अगला है एजियोस और एजियास. एजियोस होता है मेल के लिए और एजियास होता है फीमेल के लिए. वे, तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं तीन तरह की वर्ब हैं. पहला है आबलार, दूसरा कोमेर, तीसरा बिबीर. आबलार जो वर्ब है वो खत्म हो रही है ए आर के साथ में, यहाँ पे ई आर के साथ में, यहाँ पे आई आर के साथ में. तो ये जो शुरुआती हिस्सा होता है इसको बोलते हैं स्टेम, स्टेम. और ये जो ए आर, ई आर और आई आर होता है, ये होती है इन्फिनिटिव. तो जब हम इन वर्ब्स को यूज करके हम वाक्य बनाएंगे, तब हमारी ये इन्फिनिटिव हट जाएंगी और हमारी नई इन्फिनिटी लग जाएंगी. तो चलिए शुरू करते हैं हम कैसे वाक्य बनाएंगे. पहले आप जान लीजिए कि आबलार का मतलब क्या होता है. टू स्पीक मतलब बोलना, कोमेर का मतलब टू ईट मतलब खाना, और बिबीर का मतलब टू लिव मतलब रहना. तो सबसे पहले हम इस कोंगुगासियन, कोंगुगासियन नंबर एक के बारे में बात करते हैं. तो यहाँ पे आप देखिए, जो आबले, जो आबले, यहाँ पे इन्फिनिटी क्या लगी है, ई. और तू आबलास्ते, तू आबलास्ते, तू आबलास्ते. एल एजा आबलो, एल एजा आबलो. नोसोत्रोस, नोसोत्रोस आबलामोस, नोसोत्रोस आबलामोस, नोसोत्रोस आबलामोस. आबलास्तेइस, आबलास्तेइस. एजियोस और एजियास आबलारोन, आबलारोन. अब इसका मतलब क्या होता है, मैं बोला, तुम बोले, वह बोला या वह बोली. एल आबलो का मतलब होता है वह बोला. एजा आबलो का मतलब होगा वह बोली. नोसोत्रोस आबलामोस, हम बोले. तुम सब बोसोत्रोस आबलास्तेइस, बोसोत्रोस आबलास्तेइस का मतलब तुम सब बोले. और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं उस्तेदेस, लेकिन उस्तेदेस के साथ हम आबलास्तेइस नहीं बोलेंगे, हम उसके साथ बोलेंगे आबलारोन. मतलब ये जो उस्तेदेस, अगर हम इसकी जगह यूज करेंगे, ठीक है, तो इसको हम ये इस्तेमाल करेंगे, समझ में आया. तो उस्तेदेस आबलारोन, उस्तेदेस आबलारोन. और एजियोस, एजियास के लिए तो आबलारोन लगेगा. इसका मतलब क्या है, तुम सब बोले, वे बोले. तो चलिए अब हम कोंगुगासियन के नियम नंबर टू की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा खाने पीने की बात हो रही है. तो चलिए, पहला है जो कोमी, जो कोमी. दूसरा है तू कोमिस्ते, तू कोमिस्ते, तू कोमिस्ते. एल कोमियो, एल कोमियो. एजा कोमियो,
Nosotros comimos. Nosotros comimos. Vosotros comisteis. Vosotros comisteis. Ellos, ellas and ustedes comieron. 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 तो देखते हैं इसका मतलब क्या होगा. मैंने खाया, तुमने खाया, उसने खाया, हमने खाया, तुम सब ने खाया, उन्होंने खाया. यहाँ पे वे या फिर उन्होंने हम इस्तेमाल कर सकते हैं. उन्होंने खाया. तो ये पास्ट टेंस के बारे में बातें हो रही हैं. ठीक है, अब हम कॉन्जुगेशन के नियम नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम बीवी से रिलेटेड बातें करते हैं. तो मैं पहले इधर जाता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो. तो पहला है जो, जो बीवी. जो बीवी इसका मतलब होगा मैं रहा. अगला है तू बीविस्ते. तू बीविस्ते. अगला है एल और एजा. बीवीओ. एल एजा बीवीओ. अगला है नोसोत्रोस बीवीमोस. नोसोत्रोस बीवीमोस. अगला वोसोत्रोस. वोसोत्रोस बीविस्ते. बीविस्तेइस. अगला है वोसोत्रोस. वोसोत्रोस का मतलब इसको हम कैसे यूज करेंगे. वोसोत्रोस बीविस्तेइस. वोसोत्रोस बीविस्तेइस. वोसोत्रोस बीविस्तेइस. अगला एजियोस और एजियास विवियरोन. विवियरोन. तो इसका मतलब क्या होगा. जो बीवी इसका मतलब होगा कि मैं रहा, तुम रहे, वह रहा या वह रही. यहाँ पे हो जाएगा हम रहे. यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम सब रहे, वे रहे. तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता दूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए. देखिए सबसे पहले तो ये और ये दोनों सेम हैं. फिर इसको भी देखिए तो ये भी सेम है. इसकी जो इन्फिनेटिव है यहाँ पे बिल्कुल सेम लग रही है. ये देखिए ये भी सेम है. 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 बस आपको ये वाली याद करनी होगी और वो भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. प्रैक्टिस करने से सब कुछ आएगा. जितनी बार हो सके उतनी ज़्यादा बार इसकी प्रैक्टिस करिए. मेरे रिकमेंडेशन में तो आप नए नए वर्ब लीजिए, स्पैनिश के नए वर्ब तलाशिए और उनको लेकर नई कॉन्जुगेशन आप खुद बनाइए. और जितनी ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा बार वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी. तो मेरी ओर से आपके लिए शुभकामनाएं. आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए और मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए. और मेरे लायक अगर कोई सेवा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपकी और क्या गुजारिश है कि मैं इस पॉइंट पर, इस इशू, इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं. अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मैं यकीनन मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा. और अगर आपको पिछली वीडियो देखनी हो तो मैं आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. तो तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, अडियोस. स्पेनिश भाषा में फिर मिलते हैं. प्लीज ऑल माई डियर फ्रेंड्स डू नॉट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो बिकॉज योर लाइक इज अ बिग बिग मोटिवेशन फॉर मी एंड आई वॉन्ट टू हेल्प सो मेनी पीपल ऑफ द वर्ल्ड फॉर लर्निंग हिंदी. सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप एंड फेसबुक. प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस रेड बटन टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू अपलोडेड वीडियोज़.